नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का तैयारी जीत के चैनल पर। आज का यह वीडियो स्पेशली जीव विज्ञान बायोलॉजी सेक्शन पर आधारित है और साइंस का ये वीडियो जो कि टेस्ट के फॉर्म में है, आसान नहीं रहने वाला आप सभी लोगों के लिए, लेकिन एक बात की गारंटी है कि आपको मज़ा बहुत आएगा, बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा किस तरीके से क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा हर क्वेश्चन के साथ जो ऑप्शन से जुड़े हुए जितने प्रश्न बन सकते हैं, जिनको मैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स में कवर करता हूं, वो भी मैं कवर करूंगा, उनको प्रश्नों को भी हम रिवाइज करेंगे, इसलिए बेहतरीन रहेगा आज का सेशन। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि अंत तक ना देखने पर कुछ प्रश्न जो हैं मिस आउट भी हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है कि अपने दोस्तों के बीच में जो है वीडियो को ज़रूर शेयर किया करें, इस चैनल के बारे में उनको बताएं, उनसे चैनल को सब्सक्राइब कराएं, क्योंकि हम काफ़ी मेहनत करते हैं आप सभी लोगों के लिए और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना होती है उन्हीं प्रश्नों की जो है तैयारी हम कराते हैं। इसके अलावा नोट्स तो हमारे हैं ही, सिर्फ इतनी सी हेल्प कर दीजिए, बाकी जो है हम अपना कार्य बहुत मेहनत से कर रहे हैं, आपका सपोर्ट भी मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पहला प्रश्न जो है देखिए, निम्न में से कौन विटामिन है? ऑप्शन को ज़रा देखिए, कैरेटीन, राइबोफ्लेविन, इंसुलिन, एड्रेनेलिन, इन चारों ऑप्शन से प्रश्न बन चुका है। फिलहाल तो हम ऑप्शन देख लेते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब है आपका राइबोफ्लेविन। ठीक है, राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन यानी कि विटामिन B2। ठीक है, अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है और बार बार पूछा जाता है, नाखून, बाल, सींग ये क्या है? तो ये एक प्रोटीन है जिसका नाम है कैरेटीन, और ये जो ऑप्शन है सबसे ऊपर है कैरेटीन, ये वही है। कैरेटीन क्या है? एक प्रोटीन है, और नाखून, बाल, सींग जो है किसके बने होते हैं? कैरेटीन के बने होते हैं। ठीक है, प्रोटीन होते हैं। इसके अलावा जो गाजर होता है, गाजर खाने वाला गाजर, उसका जो नारंगी रंग है उसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो वो है केरोटीन। यहाँ है कीरेटीन, वहाँ है केरोटीन, तो कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करना है, दोनों पे प्रश्न पूछा जा चुका है। यहाँ पे ऑप्शन में केरोटीन भी हो सकता था। ठीक है, तो कैरेटीन नाखून, बाल, सींग और प्रोटीन है, केरोटीन गाजर के नारंगी रंग में पाए जाने वाला विटामिन। यहाँ पे राइबोफ्लेविन इसका सही जवाब होगा इस प्रश्न का। इंसुलिन मधुमेह डायबिटीज रोगियों के लिए इस्तेमाल में लाई जाने वाली दवा होती है, इंसुलिन इंजेक्शन दिया जाता है, और इसमें कौन सा तत्व पाया जाता है, ये भी UPPCS में प्रश्न पूछा गया है, जैसे कि क्लोरोफिल मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है, ठीक उसी तरीके से इंसुलिन में जस्ता तत्व पाया जाता है। पूछा गया प्रश्न है क्या पाया जाता है? जस्ता। लड़ो और उड़ो हार्मोन किसे कहा जाता है? एड्रेनलिन को। कहाँ से निकलता है? अधिवृक्क ग्रंथि। जब वीडियो के हम अंतिम सिरे पर जाएंगे यानी कि अंतिम पड़ाव पर जाएंगे तो ग्रंथियों के ऊपर 4 से 5 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम रिवाइज करेंगे जो कि हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, तो अधिवृक्क ग्रंथि से निकलने वाला एड्रेनलिन लड़ो और उड़ो हार्मोन इसको कहा जाता है। मान लीजिए आप रोड क्रॉस कर रहे हैं, आपके पास अचानक से तेज चलता हुआ ट्रक आ जाए, तो ऐसे में आपकी बॉडी जो एक्शन लेगी वो एक्शन जो है किसने करवाया? वो एक्शन एड्रेनलिन हार्मोन ने करवाया, यानी कि आपकी बॉडी का रिफ्लेक्स एक्शंस कंट्रोल कौन करता है? एड्रेनलिन हार्मोन। ठीक है, घोर संकट आ गया अचानक से और आपकी बॉडी जो है उस घोर संकट से बचने के लिए जो भी एक्शन करती है वो सभी एक्शन जो है किसके द्वारा होते हैं? एक हार्मोन जो उसी समय निकलता है, उसका नाम है एड्रेनलिन, लड़ो और उड़ो हार्मोन। ये हमेशा नहीं सीक्रेट होता है, ये केवल समस्या उत्पन्न होने के समय ही सीक्रेट होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये जो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूं ना दोस्तों, यहां से प्रश्न जो है श्योर श्योर बन जाते हैं। अभी हाल ही में परीक्षा हुई थी, अगर मेरे एक्स्ट्रा फैक्ट्स को अच्छे से सुना होगा तो 40 से प्लस क्वेश्चन सही करके आया होगा कैंडिडेट। ठीक है, यहां पे एक गलती का सुधार करना है। पिछला वीडियो जो करंट अफेयर का था वहां पे एक यादा वायरस के बारे में थोड़ी गलत इन्फॉर्मेशन दी थी, उसको मैं यहाँ करेक्ट कर रहा हूँ। तो 3 वायरस के बारे में आपको अच्छे से याद रखना है आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए। पहला है यादा वायरस। कहाँ पे ये महामारी फैली है? ऑस्ट्रेलिया में। फिलहाल अभी तक पशुओं में फैली है, ह्यूमन पर अभी इसका कोई प्रभाव नहीं देखा गया है। RNA टाइप वायरस है ये,
अल्फा वायरस तो ऑस्ट्रेलिया याद रखना है, याडा याडा वायरस ऑस्ट्रेलिया। इसके अलावा कोरोना वायरस से थोड़े समय पहले भारत में एक वायरस आया था, नाम था चांदीपुरा वायरस। चांदीपुरा वायरस गुजरात के क्षेत्र में देखा गया, गुजरात राज्य में। किसके द्वारा फैलाया गया? एक मच्छर या मक्खी कहें, सैंड फ्लाई। ठीक है, क्या नाम है? सैंड फ्लाई। और किसको प्रभावित किया? 14 वर्ष से कम बच्चों को। क्या प्रभावित किया? तंत्रिका तंत्र को, नर्वस सिस्टम को। बच्चे जो है कोमा में चले जाते थे और उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती थी। ठीक है, और 14 वर्ष से कम बच्चों पे ही इसका प्रभाव देखा गया, सैंड फ्लाई। सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, चांदीपुरा वायरस किस राज्य से संबंधित है? गुजरात। किससे फैलाया गया? सैंड फ्लाई, सैंड फ्लाई मच्छर ने। ठीक है, कीचड़ और दलदली भूमि में जो मक्खी मच्छर रहते हैं उसके द्वारा फैलाया गया। इसके अलावा WHO द्वारा जो है कोरोना वायरस का नाम क्या दिया गया है? COVID-19। इसकी जो दवा है, जो अभी प्रयोग में चल रही है, उसके बारे में मैंने करंट अफेयर में अच्छे से कवर किया हुआ है। उसका वीडियो जो है लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो ये तीनों वायरस जो है इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टि से। याडा याडा वायरस ऑस्ट्रेलिया, RNA टाइप। चांदीपुरा वायरस गुजरात, सैंड फ्लाई द्वारा फैलाया गया और तंत्रिका तंत्र को जो है असर करता है 14 वर्ष से कम बच्चों के लिए। WHO ने कोरोना वायरस का नाम दिया है COVID-19। सबसे पहला शहर जो जहां से सुर्खियों में आया, ये वुहान सिटी, चाइना की वुहान सिटी। ठीक है, चलिए ये तो हो गया करंट अफेयर का एक क्वेश्चन। अब आते हैं हम अपने बायोलॉजी के सेक्शन पे। किसकी कमी के कारण दूध को एक संतुलित आहार नहीं माना जाता? आपके सामने ऑप्शंस हैं, ध्यान से देखिए, चार ऑप्शंस हैं। दूध को एक संतुलित आहार नहीं माना जाता किसकी कमी से? सही जवाब क्या हो जाएगा? तीसरे का सही जवाब है ऑप्शन बी, लोह तत्व और विटामिन सी की कमी से। ठीक है, लोह तत्व और विटामिन सी की कमी से। लोह तत्व कहाँ पाया जाता है? हमारे ब्लड में पाया जाता है। विटामिन सी को क्या कहा जाता है? इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, और विटामिन सी से दांत संबंधी रोग हो जाते हैं, घाव जो है अगर कहीं हो जाए शरीर में तो वो जल्दी भरता नहीं है। ठीक है, और नींबू में, आंवले में विटामिन सी के प्रचुर स्रोत हैं। अभी बहुत क्वेश्चन होने बाकी हैं, अभी शुरुआत है। इनमें से कौन शक्कर त्वरित ऊर्जा प्रदान करती है? क्वेश्चन नंबर 4 का जरा ध्यान से देखें, कौन सी शक्कर त्वरित ऊर्जा प्रदान करती है? लैक्टोज, सेलुलोज, माल्टोज, ग्लूकोज। तो चौथे का सही जवाब क्या होगा? चौथे का सही जवाब है ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया द्वारा ऊर्जा को ATP में परिवर्तित कर देती है। ठीक है, इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न जो कई बार पूछा गया है, कौन सबसे मीठी है? सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रेक्टोज, माल्टोज। यहां पर सही जवाब क्या होगा? एक्स्ट्रा फैक्ट में ये क्वेश्चन है, तो यहां पर सही जवाब होगा फ्रेक्टोज, सबसे मीठा फ्रेक्टोज। माँ का जो दूध होता है वो नेचुरल प्राकृतिक रूप से मीठा होता है, उसमें क्या पाया जाता है? उसमें पाया जाता है लैक्टोज। तो ये तीन प्रश्न हमने कवर किए हैं और तीनों प्रश्न जो है पूछे गए हैं। इसके अलावा बच्चे की डिलीवरी होने के बाद भी माताओं को जो है दूध नहीं उतरता है, उस समय कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है, ये भी प्रश्न पूछा गया है। तो उनको ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन दिया जाता है, जो कि एक हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। भैंसों को भी यही इंजेक्शन दिया जाता है दूध उतरने के लिए, तो ये प्रश्न भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये हमने तीन प्रश्न जाने। माँ के दूध की जो मिठास होती है वो लैक्टोज होता है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा मीठा होता है फ्रैक्टोज। कहाँ पाया जाता है? पके हुए फलों में। ठीक है, फलों की मिठास जो होती है वो फ्रैक्टोज होती है, बहुत मीठा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नियासिन विटामिन, जिसको कि B3 कहा जाता है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? मैरस्मस, पेलाग्रा, सूखा रोग, रतौंधी। बताइए क्वेश्चन नंबर 5 सही जवाब क्या होगा? पांचवे का सही जवाब क्या होगा? नियासिन रोग से कौन सा रोग होता है? सोच लिया होगा आपने। पांचवे का सही जवाब है ऑप्शन बी, पेलाग्रा। ये तो बात हो गई। अब बाकी
चारों तीनों ऑप्शन से भी प्रश्न बनते हैं और बने भी हैं। पहला ग्रह जो रोग पता चल गया आपको, नियासिन की कमी से, सूखा रोग, ये विटामिन डी की कमी से होता है, जिसको कैल्सिफिरोल कहा जाता है। ऑस्टियो मलेशिया रोग भी विटामिन डी की कमी से होता है। रतौंधी विटामिन ए की कमी से, जिसको रेटिनोल कहा जाता है। मैरस्मस, ये जो है माल न्यूट्रिशन, यानी के बच्चों में पोषणता की कमी अगर हो जाती है, उसके वजह से शरीर उनका बहुत कमजोर हो जाता है, उसको कहा जाता है मैरस्मस, मैरस्मस रोग। ठीक है, चलिए इन चारों ऑप्शंस पे प्रश्न बन चुके हैं। एक्सराफ थालमिया, एक्सराफ थालमिया रोग किसकी कमी से होने वाला रोग है? ये एक नया क्वेश्चन है। सही जवाब क्या होगा? सातवें का सही जवाब है ऑप्शन ए, रेटिनॉल, विटामिन ए की कमी से। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को थोड़ा कठिन बनाना हुआ तो वो सीधा दे देगा रेटिनॉल, थायमिन, नियासिन, कैल्सिफिरोल, इस तरह से। तो आपको पता होना चाहिए किस विटामिन को क्या कहा जाता है। ठीक है, एक प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है, इंसुलिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? इंसुलिन डायबिटीज मधुमेह रोगियों को दिया जाता है, उसमें पाया जाता है जस्ता। ठीक है, जस्ता। रक्ताल्पता रोग किसकी कमी से होता है? क्वेश्चन नंबर 8। अगर यहां पे अभी मैंने लिख दिया होता अनीमिया रोग तो सब कहते कि भाई ऑप्शन ए, लेकिन अब वो ऑप्शन में इस तरह से देगा ही नहीं कि आप आसानी से समझ जाए। शुद्ध हिंदी रक्ताल्पता रोग, और उसको ब्रैकेट में वैसे तो देना चाहिए अनीमिया रोग, ताकि लोगों को थोड़ा आसानी हो जाए, लोह तत्व की कमी से। ठीक है, आयरन की कमी हो जाती है तो उससे अनीमिया रोग हो जाता है, जिसको कि हिंदी में रक्ताल्पता कहा जाता है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे ब्लड का रंग लाल किस कारण से होता है? तो हीमोग्लोबिन की वजह से, और हीमोग्लोबिन का मेन कंपोनेंट क्या है? लोह तत्व। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, रक्त कण जो रोगों अथवा बीमारियों के प्रति प्रतिरोधकता का निर्माण करता है, ल्यूकोसाइट, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट, सही जवाब क्या होगा? रक्त कण जो रोगों तथा बीमारियों के प्रति प्रतिरोधकता का निर्माण करता है, सही जवाब है नौवे का ऑप्शन ए, ल्यूकोसाइट। ठीक है, ल्यूकोसाइट। एक्स्ट्रा फैक्ट में चलें तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है, दो बार क्वेश्चन पूछा गया है, लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण किसके द्वारा होता है, कहाँ होता है? इसके अलावा थोड़ा क्वेश्चन को डायनेमिक करके विगत वर्षों में पूछा गया है कि हीमेटोपोएसिस प्रक्रिया किससे संबंधित है। ठीक है, वहां पे चार ऑप्शंस होंगे, जवाब होगा अस्थि मज्जा। लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण की प्रक्रिया को साइंटिफिक नाम दे दिया गया हीमेटोपोएसिस, और सीधा पूछेगा हीमेटोपोएसिस जो है किससे संबंधित है? अस्थि मज्जा, बोन मैरो। ठीक है, चलिए, वसा में घुलनशील विटामिन इनमें से कौन सा है? मैंने बताया था इस तरह से थोड़ा क्वेश्चन डायनेमिक हो रहा है, हमें विटामिन ए, डी, ई, के इस तरह से तो पता ही है, हमें उनका रासायनिक नाम भी पता होना चाहिए। तो अब यहां पे प्रश्न ये है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? 10वां प्रश्न, सही जवाब है 10वें का ऑप्शन बी, कैल्सिफिरोल, जो विटामिन डी को कहा जाता है, केरोटीन, टोकोफिरोल, विटामिन ई। ठीक है, ये सभी वसा में घुलनशील हैं। अगला प्रश्न देखिए, दो बार पूछा गया है दो तरीके से, एक कोशिका में डीएनए क्या है? इसी क्वेश्चन को दूसरी तरह से पूछा गया है, इनमें से कौन सा एक कोशिका का स्थायी गुण कहलाता है? ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, अमीनो अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल, वसा, प्रोटीन। क्वेश्चन को देख लिया आपने, कोशिका में डीएनए क्या है? सही जवाब हो जाएगा न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, अब एक्स्ट्रा फैक्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन पूछा गया यूपीपीसीएस में, हाइपरप्लासिया रोग जो है वो किससे संबंधित है? कोशिकाओं की संख्या की वृद्धि, कोशिकाओं के आकार की वृद्धि, कोशिकाओं का छोटा होना, मांसपेशियों की अधिक गतिशीलता। तो
तो हाइपर प्लासिया रोग जो है वो संबंधित है आपका ऑप्शन ए, कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि हो जाना जिससे कि अंग और उत्तक के आकार में वृद्धि हो जाता है और असामान्य गतिविधियां जो है बढ़ जाती हैं शरीर की, और इसी से संबंधित है हाइपरप्लासिया। ठीक है, कोशिकाओं की संख्या की वृद्धि, यूपीपीसीएस का प्रश्न है। वर्णांधता, वर्णांधता एक आनुवांशिक रोग है, आपको याद रखना है क्या है, आनुवांशिक रोग, जिसमें कि व्यक्ति को हरे और लाल रंग में अंतर जो है नहीं कर पाता वो, यह किसके कारण होता है। ठीक है, तो वर्णांधता रॉड कोशिकाएं, शंकु कोशिकाएं, तंत्रीय कोशिकाएं व्याधि, रेटिना तंत्रिका व्याधि। क्वेश्चन नंबर 13, सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, शंकु कोशिकाएं, शंकु कोशिकाएं। एक्स्ट्रा फैक्ट में देखिए, कौन सी कोशिकाएं एंटीबॉडी बनाने के लिए उत्तरदायी होती हैं, जवाब होगा लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन सी है, मांसपेशी कोशिका, तंत्रिका कोशिका, यकृत कोशिका, वृक्क कोशिका। सही जवाब क्या होगा, सही जवाब है तंत्रिका कोशिका। एक व्यक्ति जो धूम्रपान करता है तथा हृदय रोग से संबंधित है, उसके शरीर में रक्त में लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या की वृद्धि हो गई है, उसे क्या कहा जाएगा। दो ही तरीके से प्रश्न पूछे गए हैं बार बार, या तो सफेद रक्त कणिकाओं का अचानक से बढ़ जाना जो कि ब्लड कैंसर कहलाता है, उसको कहा जाता है ल्यूकीमिया, और अगर रक्त में लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या बढ़ जाए तो उससे शरीर में बेहद कमजोरी हो जाती है और उसे कहा जाता है पॉली सामथेमिया। ठीक है, एनीमिया लो तत्व की कमी हो जाना, और हीमोफीलिया जो है, इसके बारे में कमेंट करके बताएं। ठीक है, ये क्वेश्चन तो पूछना बनता ही है, तो यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा, शरीर में रेड ब्लड कॉर्पसल्स अगर बढ़ जाएं तो ये रोग हो जाता है पॉली सामथेमिया, और व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स जिसको ब्लड कैंसर कहा जाता है ल्यूकेमिया। चलिए, वृक्क किडनी की कार्यात्मक इकाई कौन सी है, एरॉन न्यूरॉन नेफ्रॉन सेफ्रॉन। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। एक्स्ट्रा फैक्ट में काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि मानव शरीर में जल की मात्रा को नियंत्रित किसके द्वारा किया जाता है, तो किडनी के द्वारा, वृक्क के द्वारा। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया है, मानव मूत्र के पीले रंग का कारण क्या है, न्यूरोक्रोम। शौचालय की जो तेज गंध होती है वो क्या होती है, अमोनिया। ठीक है, ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं यूपीपीसीएस में। और मानव मूत्र में क्या क्या पाया जाता है, यूरिक अम्ल, अमोनिया, यूरिया, इसके अलावा 95% वाटर, और जो 5% है वो है यूरिक अम्ल, अमोनिया, और इसके अलावा कुछ अन्य जो है पदार्थ बहुत ही कम मात्रा में। डायलिसिस, जिसको कि हिंदी में लिखा हुआ आएगा कि अपोहन विधि, किससे संबंधित है। अगर सीधा लिखा है डायलिसिस तब तो इजी है, लेकिन अब प्रश्न जो है अपोहन लिखा होता है, आपको इंग्लिश वर्जन जरूर देखना चाहिए। तो डायलिसिस प्रक्रिया जो है नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ रक्त से निकालने के लिए जो है किडनी की जगह कार्य करने वाला आर्टिफिशियल कृत्रिम विधि है डायलिसिस। मानव मूत्र में किरेटिनाइड आयन भी पाया जाता है, एक स्पेशल प्रश्न जो पूछा गया। इसके अलावा यूरिया, क्लोराइड, सोडियम, ठीक है, अमोनिया, ये सब भी पाए जाते हैं, और 95% वाटर पाया जाता है। निर्जलीकरण, किसी व्यक्ति का डिहाइड्रेशन हो जाना, उसको हिंदी में कहा जाएगा निर्जलीकरण। शरीर में किसका अभाव हो जाता है अगर डिहाइड्रेशन हो जाए, शक्कर का, सोडियम क्लोराइड का, सोडियम फॉस्फेट का, पोटेशियम क्लोराइड का। सही जवाब क्या होगा, डिहाइड्रेशन निर्जलीकरण के समय 18वें का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सोडियम क्लोराइड, NaCl।
जिस तरह डायलिसिस का संबंध किडनी से है, उसी तरह सोडियम पंप का संबंध इनमें से किससे होगा? इस तरह से प्रश्न भी पूछा जा सकता है, ठीक है। डायलिसिस का संबंध किडनी से है, ठीक उसी तरीके से सोडियम पंप का संबंध इनमें से किससे है? सही जवाब हो जाएगा तंत्रिका आवेग। अगर तंत्रिका अपना सही से कार्य नहीं करती तो कृत्रिम रूप से सोडियम पंप द्वारा तंत्रिका आवेग जो है कार्य करना शुरू कर देती है। इसके अलावा पेसमेकर, जब हृदय सही से कार्य नहीं करता है तो कृत्रिम रूप से जो है पेसमेकर द्वारा जो है स्पंदन कराया जाता है हृदय का। तो पेसमेकर किससे संबंधित है? हृदय से, हृदय की गति से, ठीक है। इस तरह से भी प्रश्न पूछा गया है। दांतों और हड्डियों की मजबूती तथा कठोरता किसकी वजह से है? कैल्शियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, सोडियम। सही जवाब क्या हो जाएगा 20वें का सही जवाब है ऑप्शन ए, कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम। अगला प्रश्न जो है UPPCS का पूछा गया है कि कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण के लिए उत्तरदायी है। देखिए यहाँ पे कैल्शियम पे प्रश्न बना है और कैल्शियम से जुड़ा हुआ एक और एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में प्रश्न पूछा गया है जो मैं बता रहा हूँ आपको। कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण के लिए उत्तरदायी है? वो है विटामिन डी, जिसका रासायनिक नाम होता है कैल्सिफिरोल। इसकी कमी से होने वाला रोग है छोटे बच्चों की हड्डियाँ विकसित नहीं हो पाती हैं, टेढ़ी हो जाती हैं, सूखा रोग, ऑस्टियोमलेशिया। बार बार पूछा जाने वाला जो प्रश्न बनता है सूखा रोग पे, ऑस्टियोमलेशिया पे, ठीक है। चलिए, दांतों के क्षरण यानी कि दांतों के झड़ने को रोकने के लिए टूथपेस्ट में क्या मिलाया जाता है? एक बार ये प्रश्न पूछा गया है, फ्लोराइड। इसके अलावा पायरिया रोग किससे संबंधित है? दांतों से संबंधित है पायरिया रोग। और कई बार सुमेल करने को आ जाता है विटामिन के संदर्भ में, तो विटामिन सी से सुमेल करेंगे हम पायरिया रोग को। स्टेपीज, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? नाक, कान, अंगूठा, उंगली। काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, ये गलत नहीं होना चाहिए। सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का, कान। सबसे बड़ी अस्थि, सबसे बड़ी हड्डी जांघ की फीमर हड्डी, ठीक है। मानव शरीर में उपस्थित सबसे लंबी पेशी कौन सी है? सबसे लंबी पेशी है सार्टोरियस पेशी। जांघों और घुटने के घुमाने के लिए उत्तरदायी जो पेशी है वही सबसे लंबी पेशी है, उसका नाम है सार्टोरियस पेशी। दो हड्डियों को आपस में जोड़ने वाला संयोजी उत्तक कौन सा है? लिगामेंट। इसके अलावा हड्डियां बीच में क्रैक कर जाती हैं तो उसको किसके द्वारा जोड़ा जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस के द्वारा। और प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या होता है? जिप्सम होता है जो कि उसकी सेटिंग को डिले कर देता है, सीमेंट की सेटिंग को, ठीक है। तो यह भी याद रखना है कि हड्डियों के टूट जाने पर किसकी सहायता से उनको जोड़ा जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, और उसमें क्या होता है? जिप्सम होता है, कैल्शियम भी होता है। पेशीय थकान, मांसपेशियों के थकान हेतु निम्न में से कौन सा रसायन उत्तरदायी है? सही जवाब हो जाएगा लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। चलिए, अगला प्रश्न है हड्डियों के बनने का परीक्षण, जिसको कि कहा जाता है, कई बार प्रश्नों में बन के आता है प्रश्न, बोन ऑसिफिकेशन मानवों में क्यों किया जाता है? मस्तिष्क दक्षता, उम्र की जांच, ऊंचाई की जांच। तो ये सही जवाब हो जाएगा, इसी तरह से प्रश्न पूछा गया है, सही जवाब हो जाएगा उम्र की जांच हेतु, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी ग्रंथि लिंगीय यानी कि सेक्स हार्मोन स्रावित करती है? आपके ऑप्शन है अधिवृक्क ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, तेल ग्रंथि। तो आपको बताना है सेक्स हार्मोन स्रावित कौन सी ग्रंथि करती है। 26वें का सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, अधिवृक्क ग्रंथि, ठीक है। इसके द्वारा एंड्रोजेन, एस्ट्रोजेन, कार्टिकोस्टेरोन हार्मोन्स जो हैं सिक्रेट किए जाते हैं। ये तीनों हार्मोनों पे भी प्रश्न पूछा जा चुका है, जैसे कि एस्ट्रोजेन हार्मोन जो है वो स्त्रीलिंग हार्मोन है, पुरुषों वाला जो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है। इस तरह से भी प्रश्न बनता है कि निम्न में से कौन सा जो है स्त्रीलिंग हार्मोन कहलाएगा, पुरुष हार्मोन कहलाएगा। तो पता होना चाहिए टेस्टोस्टेरोन पुरुष, एस्ट्रोजेन महिलाओं का जो है हार्मोन है, कहाँ से निकलता है? अधिवृक्क ग्रंथि से।
निम्न में से कौन सी ग्रंथि शरीर का तापमान नियंत्रित करती है? कौन सी ग्रंथि शरीर का तापमान नियंत्रित करने में सहायक है? सही जवाब हो जाएगा आपका हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। ठीक है, इसके अलावा प्रश्न इस तरह से ही पूछा गया है कि कौन सी ग्रंथि भूख, जल संतुलन, ताप नियंत्रण करने के लिए जिम्मेदार है? तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि। ठीक है, चलिए इसी तरह से एक और प्रश्न हाइपोथैलेमस से पूछा गया है। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथियों से स्रावित हार्मोनों को नियंत्रित करती है? पीयूष ग्रंथि जो सिर में होती है, और इसको मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, इसको भी नियंत्रित करने का कुछ काम जो है, इसके द्वारा जो हार्मोन सिक्रेट किए जाते हैं उसको नियंत्रित करने का कार्य जो है वो भी हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा किया जाता है। फिलहाल जो क्वेश्चन पूछा गया है हाइपोथैलेमस पे, वो बार बार यही पूछा गया है कि शरीर का तापमान, पसीनों का आना, ये किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो हाइपोथैलेमस। निम्न में से कौन सी ग्रंथि बाह्य स्रावी तथा अंत स्रावी की तरह कार्य करती है? दोनों ग्रंथि दोनों जो है कार्य करती है, बाह्य स्रावी भी और अंत स्रावी भी। थाइमस, पीयूष, अग्नाशय, यकृत। क्वेश्चन नंबर 28 सही जवाब क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 28 का सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अग्नाशय ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि। इसके अलावा एक प्रश्न यह भी बन सकता है कि बाह्य स्रावी और अंतः स्रावी दोनों ना हो, ऐसी कौन सी ग्रंथि है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका पीयूष ग्रंथि। ठीक है, पीयूष ग्रंथि, यह भी ऑप्शन पूछा गया है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ये क्वेश्चन पूछा गया है, और सही जवाब क्या हो जाएगा? यकृत ग्रंथि। ठीक है, यकृत ग्रंथि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है आकार में। बाह्य और आंतरिक स्राव ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय ग्रंथि। एक प्रश्न ये देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, और सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा थायराइड। थायराइड से कौन सी ग्रंथि जो है, कौन सा जो है हार्मोन सिक्रीट होता है? थायरोक्सीन। थायरोक्सीन में क्या पाया जाता है? आयोडीन। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है गोइटर, गेंगा रोग। ठीक है, तो इस पर भी प्रश्न बना गया, बना हुआ है, और इस तरह से आपको तैयार करके चलना है। थायरोक्सीन जो है वो घेंगा रोग को नियंत्रित करने में बहुत ही सहायक हार्मोन है, आयोडीन युक्त हार्मोन है ये। ठीक है, जो कि थायराइड से निकलता है। इसके अलावा विटामिन जो यकृत में संचित रहता है, स्वतः संचित रहता है, वो है विटामिन ए। ठीक है, ये भी याद रखना है, प्रश्न के रूप में पूछा गया है। और प्रश्न जो है एक्स्ट्रा में और कुछ बचा नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। हार्मोन के रूप में कार्य करने वाला प्रोटीन का उदाहरण बताएं। ऑप्शन देख लीजिए, क्वेश्चन पूछा गया है कि हार्मोन के रूप में कार्य करने वाला प्रोटीन का उदाहरण बताएं। तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन। ठीक है, गाजर में पाए जाने वाला विटामिन है केरोटीन। कैसीन दूध में पाया जाता है, नाखून बाल तो वो कीरेटीन है। एक्स्ट्रा फैक्ट में देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया है। उत्तेजना के समय कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? उत्तेजना के समय एस्ट्रोजेन, सेरोटोनिन, कार्टिसोनिन, एड्रेनलिन। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब इसका भी हो जाएगा ऑप्शन डी, एड्रेनलिन। सेरोटोनिन मस्तिष्क में जो है एक हार्मोन होता है, ठीक है, जो हमारे बिहेवियर को खुशनुमा बनाने का कार्य करता है, उसका नाम है सेरेटोनिन, इसको भी याद रखना है। एस्ट्रोजिन जो है वो महिला संबंधित हार्मोन है। लड़ो और उड़ो हार्मोन किसे कहते हैं? एड्रेनलिन को कहा जाता है। अधिवृक्क ग्रंथि से जो है सिक्रीट होता है ये, ठीक है, स्रावित होता है। अब 30 मिनट हो चुके हैं, इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा, और यहाँ पर कई प्रश्न आपको सीखने को मिले होंगे।
इसके अलावा आपके कमेंट आमंत्रित हैं। कैसी लगी ये वीडियो अवश्य बताएं, वीडियो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।